साथ मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ गई हैं। रुचि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बड़ी बात कह रही है, कितनी बेरहमी से रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई ये कहानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बयां कर रही है। अब आगे क्या, कब तक आरोपियों को पकड़ा जाएगा पुलिस की तरफ से? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 22 छर्रे लगे हैं रामगोपाल मिश्रा को। अब पुलिस ये कह रही है कि क्योंकि जो अब्दुल हमीद है नेपाल, वहाँ से मुश्किल से 50 किलोमीटर उनका घर है वहाँ से, तो उनका कहना है कि नेपाल शायद वो भाग गए हैं अब्दुल हमीद और उनका पूरा परिवार। तो पुलिस की टीम्स लगी हैं वहाँ पर, पूरे गांव में, पूरे इलाके में एसटीएफ की कई टीम्स घूम रही हैं जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल पुलिस को कोई सुराग हाथ में नहीं लगा है। यही समझा जा रहा है कि 50 किलोमीटर दूर जो नेपाल है वहाँ पर इनके रिश्तेदार भी रहते हैं। ऐसा हमें जो विधायक हैं इलाके के सुरेश्वर सिंह, उन्होंने भी बताया है कि अब्दुल हमीद के रिश्तेदार नेपाल में रहते हैं, वहाँ भी कुछ सराफा का, क्योंकि व्यापारी हैं अब्दुल हमीद, तो वहाँ भी कुछ सराफा का काम है। तो पुलिस की टीम्स ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं, और पुलिस का कहना है कि जल्दी ही जो आरोपी हैं जिन्होंने हत्या की है वो पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे। प्राची, ठीक है, अब्दुल हमीद को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश यूपी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार है या पूरा का पूरा जो गांव है वो यही मांग कर रहा है कि उनके बेटे को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हो रहा है, परिवार जो दावा कर रहा था वही सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है। तो दूसरी तरफ सबके जहन में सवाल है कि 13 अक्टूबर की शाम को हुआ क्या था और उसके बाद दंगा कैसे भड़क गया, 14 अक्टूबर को कैसे दंगा भड़का, किस बात का गुस्सा लोगों ने निकाला, कहाँ कहाँ पर तोड़फोड़ हुई, ये सब कुछ पड़ताल मेरी एक रिपोर्ट में आप देखिए। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहीं पर जुलूस मौजूद था, इसी रोड पर जुलूस मौजूद था और इसके ठीक सामने मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे इस वक्त तस्वीरों में, मेरे ठीक सामने इसी रोड पर यहाँ पर मस्जिद है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर मस्जिद है और इसी मस्जिद के ठीक सामने यानी कि इस सड़क पर जुलूस था, डीजे था, लोगों का हुजूम था, भीड़ थी, पुलिस भी साथ में थी, बाकायदा रूट तैयार किए जाते हैं, बाकायदा इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं जब इस तरीके के धार्मिक जुलूस निकलते हैं। अब यहाँ इस मस्जिद के सामने खड़े होकर जब डीजे बज रहा था या गाने बज रहे थे तो आपत्ति जताई गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि आप इन गानों को बंद करिए। जो दावा किया गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो ये था कि भड़काऊ गाने बजाए जा रहे थे, जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया गया कि जबरन माहौल को खराब करने की जो कोशिश है वो मुस्लिम समुदाय की तरफ से की गई। खैर, सच क्या है वो यहाँ मौजूद लोगों की जबानी आपको समझाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल दोनों पक्षों के दावे यही हैं, इसी मस्जिद से पूरा का पूरा विवाद शुरू हो जाता है, पथराव का दावा किया जाता है कि पथराव किया गया जुलूस पर और उस दौरान जो पत्थर थे वो दुर्गा जी की मूर्ति को जाके लगे, जिसके बाद हिंदू समुदाय का या हिंदू पक्ष का जो गुस्सा है वो भड़क गया और गुस्सा भड़कने के बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आपने देखी भी हैं। लेकिन आज उस जगह पर मौजूद होकर पूरी कहानी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं। अब देखिए, मस्जिद से आप मुश्किल से 10 से 12 कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको वो जगह या वो घर आपको नजर आ जाएगा जहां पर एक शख्स की जान चली गई या एक शख्स की हत्या कर दी गई।